रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा निश्चित रूप में। लोगों ने मन बनाया हुआ है, मैं पूरे राज्य में गया हूँ और लोगों के जोश से, उत्साह से, उनकी आंखों में उम्मीद देख सकता हूँ। ये राज्य सरकार के खिलाफ पिछले 5 साल में जो कोताही हुई, जो वायदा खिलाफी हुई, उसके खिलाफ मत पड़ेगा। और जो मुख्य मुद्दे हैं आपको मालूम है, हमने पहले भी बताया, मेरे साथियों ने, अन्य नेताओं ने बताया है, एक तो कर्मचारियों की विषय है और वो हिमाचल में भी है और पूरे भारत के अंदर है। पेंशन का सरकार को संवेदनशील होना चाहिए था और इसका निवारण करना चाहिए ताकि तमाम कर्मचारी हिमाचल में भी, गुजरात में भी और बाकी राज्यों में संतुष्ट हों। कांग्रेस इसके लिए वचनबद्ध है। जो पहले त्रुटियां हुई हैं सरकारों से, पर गलती से सबक देखना चाहिए। एम्प्लॉयज का जो कर्मचारी हैं, वर्ग है, उनकी भावनाओं, उनकी तकलीफ को समझना चाहिए, यही अपेक्षा सरकार से होती है। दूसरा, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, खास तौर पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, युवा बेरोजगारी 22.5% है और वो चिंता का विषय है, क्योंकि इतने भारी संख्या में नौजवान बेकार हो, उनके सामने अंधकार हो, वो अच्छा नहीं है। ये भी एक विषय है। महिलाओं के लिए उनको सशक्तिकरण करना है, उनको हर महीने कुछ मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, उसका प्रावधान हमने कहा है। मैं उन मुद्दों को नहीं दोहराऊंगा, अब तो मतदान हो रहा है और अग्निपथ जो सेना में भर्ती के लाए हैं उसका हमने विरोध किया है। वो एक बहुत ज्यादा चिंता का भी विषय है आने वाले वर्षों के लिए भारत की। शर्मा जी, इन चुनावों में आप इतने एक्टिव नहीं दिखे जितने कि पुराने चुनावों में आप एक्टिव होते थे। कहीं मैं इसको खारिज करता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया, जहाँ जहाँ बुलाया गया हर स्थान पे गया। मैंने किसी उम्मीदवार को मना नहीं किया, मेरे बड़े जलसे हुए हैं। ये अलग बात है कि शायद मेरे जलसे बहुत नेताओं से बड़े हुए हैं जिन्होंने कवर किया है और आप लोगों को मालूम है। मैं दाहोल स्पीति तक गया हूँ। तो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि G20, मैं किसी के ऐसे विषय पे और किसी दूसरे के बयान पे कभी टिप्पणी नहीं करता। G23 कभी मान ली गई है, अब चुनाव हो चुका है अध्यक्ष का, अब आप अभी ये चुनाव हो रहा है हिमाचल का। धन्यवाद।